मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। प्रभु इस सेशन में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सबको अपनी आशीषों के लिए लाएं, जिससे कि हम सभी अपनी आशीषों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़कर आपको धन्यवाद देने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो और आपकी आपका वचन आप हमसे बोले और बातचीत करें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अनुपम भैया जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की, रोहिणी जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिएगा मीका नामक पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसके 3 पद से पढ़कर लेकर पढ़ेंगे हम 8 पद तक। मीका चैप्टर 6:3-8, जहां लिखा है, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है, मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा हारून और मरियम को साथ भेजा। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र विलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शिदीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर जिससे तू यहोवा के धर्म को समझ सके। 6 आयत कहती है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष का बछड़ा उसके सम्मुख लाऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, मैं तो तुझे बता चुका हूं कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है, कि तू न्याय के काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनुपम भाई जुड़े हैं मेरे साथ, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। रोहिणी जी मेरे साथ आज के तीनों सेशन में हैं, विशेषकर आपको आशीष परमेश्वर की ओर से मिले, क्योंकि जो समय आप परमेश्वर को दे रही हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप परमेश्वर की आशीषें लेकर जाएंगी यहां से, विश्वास रखिए, क्योंकि आपने परमेश्वर को समय दिया है, परमेश्वर आपका प्रतिफल आपको जरूर देगा। यहां लिखा है, परमेश्वर आज अपने लोगों से पूछता है कि हे प्रभु, प्रभु पूछता है कि हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। आज परमेश्वर ये बात आज से मुझसे पूछता है, आज मुझे और आपको परमेश्वर को प्रत्युत्तर देना है। मधु जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज परमेश्वर पूछता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, परमेश्वर पूछ रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें बहुत लंबे समय से आप और मैं जीवन में ले रहे हैं, लेकिन बदले में हम क्या दे रहे हैं? तिरस्कार, घृणा, उपेक्षा, हमारे जीवनों से यही फल परमेश्वर को दिखा रहे हैं, हमारे जीवनों से यही चीजें परमेश्वर देख रहा है। और इसीलिए परमेश्वर आज हमसे पूछता है कि हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है परमेश्वर ने, परमेश्वर ने क्या बिगाड़ा है आपका? कोई सजा नहीं दी, कोई दोष आप पर नहीं लगा है, आपको आपकी आशीषें दी हैं परमेश्वर ने, अपने पुत्र को भी आपके लिए बलिदान कर दिया है, आपको और मुझे अनंत जीवन की आशीष के लिए ठहरा दिया गया है, आप और मैं पुनरुत्थान में जाकर सीख गए हैं कि कैसे शरीर से आत्मा तक की आशीष हमारे लिए है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं और आप नहीं सीख पा रहे, तो परमेश्वर के लिए ये वाजिब है पूछना कि हे मेरी प्रजा, मैंने क्या बिगाड़ा है और क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है। उकता तो बहुत लोग जाते हैं, जैसी चर्च सर्विस थोड़ी लंबी होती है
मैं कई लोगों के रिएक्शन देखता हूं कि वो उकता जाते हैं, इधर उधर ताकते हैं, और मुझे सबसे ऐसे टाइम में मुझे वो परमेश्वर का वचन स्मरण आता है कि इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज हमारे पादरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैंने बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ किया अपने जीवन में, जोड़ लिया उसे। कहते हम गाना तो गा रहे हैं यहां, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर नहीं लगी हुई है। हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आत्मा से नहीं, शरीर से। आज कॉम्बिनेशन चाहिए परमेश्वर को, शरीर मन और आत्मा का, तब हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से जुड़ेंगी, तब हमारा मन परमेश्वर की ओर जाएगा, तब हमारा शरीर रिएक्ट करेगा। आज बहुत से लोग चर्च में बैठते हैं लेकिन मोबाइल चलाते हैं, बहुत से लोग चर्च में बैठते हैं उनका मन कहीं और लगा होता है, बहुत से लोग चर्च में आते हैं, खासतौर से युवा लोग जो चर्च से बाहर निकलकर घूमते हैं, टाइम पास करते हैं आज आप खुदा के साथ। टाइम पास करने के लिए नहीं है खुदा, ध्यान रखिएगा। जब आप परमेश्वर के सामने जाएं तो बाइबल कहती है डरते और कांपते हुए जाना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर की आशीष को लेकर आए, परमेश्वर के श्राप को नहीं। इसलिए आज परमेश्वर पूछता है कि क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है। बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन में आशीष नहीं दिखती, बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन में मजा नहीं आता, बहुत से लोगों को आज भी सांसारिक लालसाएं बहुत प्रिय हैं। बहुत से लोग आज भी अपनी आशीषों को खो देते हैं जरा सी मजे के लिए, जरा सी चीजों के लिए आप और मैं अपनी आशीषें खो देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। शैतान हमें कहता है कहां फंस गया यार, संडे के दिन, अरे एक दिन तो मजे कर लेता, आज भी तू ये कर रहा है। जानते मैं संडे को तीन बार क्यों बोलता, तीन बार बोलने का प्रयोजन यही है कि जब जब तुम ये होते देखो तब तब ये और अधिक किया करो, क्या होते देखो और क्या किया करो। आपको और मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर का न्याय का दिन द्वार पर ही है, अनुग्रह का समय किसी भी दिन समाप्त हो जाएगा, मेरी और आपकी आशीषें चली जाएंगी। इसलिए जो समय मिला है उसको, अवसर को गनीमत जानकर आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस चीज को अगर आप और मैं नहीं ले पा रहे तो हम बाइबल के अनुसार अभागे लोग हैं, जो परमेश्वर की आशीषों को देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुन भी लेते हैं तो समझते नहीं, क्योंकि शैतान ने हमारा मन मोटा कर दिया है। आज कई लोग परमेश्वर के वचन से उकता गए हैं। मेरे व्हाट्सएप पे एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति ने लिखा है, डोंट बोर द कॉन्ग्रीगेशन विथ लॉन्ग सर्मन्स। सोचिए, इतने साल परमेश्वर की आशीषें लेने के बाद यह है मेरा और आपका प्रकाशन, डोंट बोर पास्टर्स, डोंट बोर द कॉन्ग्रीगेशन विथ योर लॉन्ग सर्मन्स। ये है आज की सोच, ये है आज का वो। कई लोग कहते हैं टू द पॉइंट बोलना चाहिए। कह सकते हैं आप अपने प्रिंसिपल से, कह सकते हैं आप अपने बॉस से कि आप टू द पॉइंट बोले। डर रहता है ना नौकरी चली जाएगी, डर रहता है ना खाने के वांदे हो जाएंगे, इसलिए मैं और आप नहीं कह पाते। यहां हम मुंह खोल खोल कर इसलिए बोलते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमें नहीं दिखती, परमेश्वर से हम डरते नहीं। एज़रा जी जुड़ रही हैं, एज़रा जी मीका की पुस्तक उसका छठा अध्याय तीसरे से आठवें पद तक हमें सीखना है। मीका चैप्टर 6 वर्सेस 3-8, मीका चैप्टर 6 वर्सेस 3-8 आज का वचन। मैंने 15 मिनट का समय लिया और उस 15 मिनट में मैंने अपने फोन को अपडेट किया, क्योंकि मेरे फोन को अपडेशन चाहिए था। मीका चैप्टर 6 पुराने नियम की अंतिम पुस्तक उसका छठा अध्याय 3-8 पद,
और ये चीज आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग उकता जाते हैं चर्च जाकर, बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन में जाते नहीं क्योंकि उनको और चीजें भाती हैं। आज किसी की डेट लगी हुई है कि गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, कोई बॉयफ्रेंड के पास घूम रहा है, परमेश्वर के पास जाने का समय नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप ये कर तो रहे हो लेकिन परमेश्वर को न्याय के दिन ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों किया, क्यों नहीं गए आप परमेश्वर के पास। सबत के दिन को पाक रखने के याद करने की बात जो थी, एक नियम है 10 नियमों में से, क्यों नहीं माना आपने, क्यों नहीं जान पाए कि यह अनुग्रह का समय है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। वाष्टी जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्यों नहीं गए आप और मैं, क्योंकि हमने चुना था कि हम नहीं जाएं। परमेश्वर ने चुनाव की प्रक्रिया में हमें स्वतंत्रता दी है, बिल्कुल सही है अज़रा जी, चुनाव की प्रक्रिया में हमें स्वतंत्रता दी है कि हम परमेश्वर को चुने या ना चुने। आज बहुत से लोगों ने नहीं चुना, इसलिए आशीषें भी नहीं ठहर रही। आज मेरे और आपके परिवार बिखरे हुए हैं, मेरी और आपकी आशीषें हमें नहीं दिखती। आज मैं और आप सुबह परेशान उठते हैं, रात को दुखी सोते हैं, क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, लेकिन मैं और आप तो उकता गए हैं परमेश्वर के वचन से। कई लोग कहते हैं साहब बचपन से यही सुना है, लेकिन सीखा क्या? मैं तो करेक्ट से पूछता हूं, क्या सीखा आपने? सुनते तो आए हो लेकिन क्या चले हो उस पर? क्या सीखा है आपने उसको? अगर आप नहीं सीख पा रहे तो क्या फायदा? अशोक भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या सीख पाए हो आज? मीका का 6:3-8 ये सिखाएगा आपको कि आप और मैं अगर आज परमेश्वर के सामने उकता गए हैं तो परमेश्वर भी उकता जाएगा आपसे और मुझसे। सोचिए, अगर परमेश्वर उकता जाए तो मेरी और आपकी दशा क्या होगी? कुछ नहीं, जीरो हो जाएंगे हम। आज बड़ा जोश है कई लोगों के साथ, हमारे पास तो पैसे बहुत है, नौकरी बहुत अच्छी है, 2 मिनट लगता है परमेश्वर को, लेते और देते दोनों चीजें। परमेश्वर के देने के भी 100 हाथ है, लेने के भी कई हाथ है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सम्मुख डरते और कांपते हुए जाओ। हम तो सीना तान कर जाते हैं, है ना, और ऊपर से चर्च में लेट। कभी जाइए अपने स्कूल या कॉलेज में लेट, है हिम्मत आपकी और मेरी कि हम चले जाएं, प्रिंसिपल को फेस कर लें? नहीं, तब तो डर लगता है मुझे और आपको कि साहब अरे 2 मिनट भी लेट ना हो। क्या आपका और मेरा बच्चा कभी स्कूल और कॉलेज में लेट होता है? नहीं, कभी नहीं होता, क्योंकि उसे डर लगता है पनिशमेंट का। वहां पनिशमेंट नहीं है, इसलिए मैं और आप असली से टहलते हुए चर्च में आते हैं आधा सरमन गुजरने के बाद और कई बार तो सरमन खत्म होने के बाद। क्या आशीष पाएंगे आप? सोचिए, क्या आशीष पाएंगे आप? क्योंकि आज आप परमेश्वर को उकता रहे हैं, कल परमेश्वर आपके आशीषें छीनकर आपको उकता देगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जैसा बोता वैसा ही काटेगा, बाइबल कहती है। धोखा ना खाओ। आज बहुत से लोग धोखे में जी रहे हैं मजे से, अरे साहब परमेश्वर तो जानता है मेरी परेशानी। अरे क्यों? अगर परमेश्वर जानता आप सुधर नहीं सकते, आप जल्दी नहीं उठ सकते, आप जा नहीं सकते परमेश्वर के भवन में। 6 दिन कॉलेज के लिए तो आप बड़ी जल्दी उठ जाते हो, कोई इमरजेंसी हो आप और मैं तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, किसी शादी में जाना हो तो मैं और आप पहले से तैयार खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए मेरे और आपकी स्थिति खराब होती, क्यों? उकता गए हैं। जानते क्या लिखा है बाइबल? इधर उधर से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, राज्य की संतान बाहर रहेगी, क्योंकि मैं और आप उकता गए हैं। मैं और आप उकता गए हैं, इसलिए हम बाहर ही रहेंगे। मेरा और आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम उकता गए हैं, इसलिए परमेश्वर की आशीष भी नहीं आती।
बहुत से घरों में जाकर मैं ये चीजें देखता हूं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बिटिया की शादी नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, ढिकाना नहीं हो रहा, घर में बीमारियां हैं। कहां है परमेश्वर की आशीष? किस मुंह से आप और मैं परमेश्वर की आशीष मांग रहे हैं? क्योंकि मैं और आप निरंतर शोकित करते हैं परमेश्वर को, निरंतर। आज बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कितना है आपका और मेरा प्रार्थना ही जीवन? कितनी प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर से? कैसे मांगते हैं अपनी आशीष को? कहां लगा है आपका मन? ये सवाल है जिसका जवाब आपको देना है। यू हैव टू गिव द आंसर्स टू द गॉड। देना आपको परमेश्वर को जवाब, क्या कर रहे हैं आप? कहां है आपके मेरे बच्चे आज? क्या कर रहे हैं? क्या वो घर में है आज? क्या वो परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हैं आज? क्या परमेश्वर का वचन उनको उनसे बोलता और बातचीत करता है? क्या परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए वो तैयार हैं? नहीं, वो उकता गए हैं। मुझे एक जवान बच्चे ने कहा था कि बाइबल इज अ ओल्ड बुक सर, इट कैन नॉट बी फॉलोड। मैंने कहा बेटा बाइबल कभी ओल्ड नहीं हुई। आप और मैं ओल्ड न्यू हो सकते हैं, बाइबल कभी नहीं हुई। बाइबल का एक एक वचन जो 2000 साल पहले था आज भी है और उतना ही सच्चा है। इट इज नॉट एन ओल्ड बुक। और इसी वजह से आपका और मेरा प्रकाशन खो जाता है। मेरे और आपके बच्चे परमेश्वर के पास से हटकर शैतान की गोद में बैठे होते हैं। उकता गए हैं हम। लिखा है टीले भी तेरी सुनने पाए, नहीं सॉरी, मेरे विरुद्ध साक्षी दे। आज परमेश्वर कहता है मेरे विरुद्ध साक्षी तो दे। हम देते हैं, मुंह से ना दे तो कामों से दिखा देते हैं कि हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। हमारे काम देखने लगते हैं लोगों को कि ये परमेश्वर का नहीं है। बाइबल कहती तुम्हारे फल तुम्हें बताएंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या के नहीं हो। हमारे काम बताने लगते हैं कि हम परमेश्वर के नहीं है। आज भी हम एक आम व्यक्ति की तरह निंदा करते हैं, लीला क्रीड़ा में व्यस्त हैं। आज भी हम मजाक उड़ाते हैं लोगों का, आज भी हम उंगली उठाते हैं, आज भी हम क्रोध करते हैं। हम दिखा देते हैं कि हम परमेश्वर के नहीं है, दिखा देते हैं। गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने, हम दिखा देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे विरुद्ध साक्षी दे। आज हम दे रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध साक्षी। तमाम आशीषों को देखने के बाद भी मैं और आप लगातार साक्षी दे रहे हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने किया ही क्या हमारे लिए। सोचिए, हम कहते हैं परमेश्वर तूने किया ही क्या। परमेश्वर ने बहुत कुछ किया। सबसे बड़ी बात, आज अगर आप और मैं स्वस्थ और जीवित हैं, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। मैं 4 साल अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में रहा। हर दूसरे दिन मुझे उनको डायलिसिस के लिए ले जाना होता था। जाकर देखिए हॉस्पिटल की लाइफ, जाकर देखिए, आपको आपकी आशीषें अच्छी लगने लगेंगी। आपको लगने लगेगा कि हाँ, यहां से तो बहुत अच्छा हूं मैं। 4 साल मैं आईसीयू के सामने, मेरे पिताजी 7-8 बार आईसीयू में शिफ्ट हुए। 4 साल में मैं कई बार आईसीयू के सामने नंगे फर्श पर सोया। तब आपको अच्छा लगना लगता है कि साहब आपका घर का बिस्तरा जैसा भी अच्छा है यहां से। आज आप और मैं साक्षी देते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, तूने किया ही क्या है प्रभु। आज सबसे बड़ी आशीष आपका और मेरा स्वस्थ होकर इस संसार में सांस लेना है। कोविड ने दिखा तो दिया था आपको, कोविड ने दिखाया तो था पूरी दुनिया को कि ऑक्सीजन घटने पर क्या होता है, कैसे जाती है आपकी और मेरी सांसें, कैसे दिखता है मेरा और आपका जीवन, बताया था परमेश्वर। उसके बावजूद भी आप और मैं आज भी परमेश्वर के विरुद्ध साक्षी देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं मधु जी के लिए। जानते हैं, अगर आप मधु जी को नहीं जानते तो जान लीजिए। उसके अपने घर में बाइबल लेकर उससे छीन कर फेंक दी गई थी। नहीं है उसके पास आज बाइबल,
हमारे घर में चार चार रखी है, तीन तीन रखी है, लेकिन मैं और आप पढ़ते नहीं है उसको, उसके पास बाइबल नहीं है। आज अकेले अपने जीवन में वो परमेश्वर के साथ चल रही है, पति उनकी डेथ हो गई, बेटा और बहू उनके खिलाफ चलते हैं, तब भी वो परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए खड़ी है। हाँ, पर मेरे जीवन में कोई चुनौती नहीं है, फिर भी मेरा और आपका हाथ उठता है, हम उकता जाते हैं, हम क्या कहते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध साक्षी देते हैं, प्रभु तूने किया क्या है मेरे लिए। सोचिए, अगर हाथ हट जाए परमेश्वर का तो क्या दिखेगा आपको, क्या कर पाएंगे आप। आज परमेश्वर आपको रास्ता दे रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, लेकिन सोचिए अगर वो हट जाए तो क्या होगा। कुछ नहीं, नहीं है मेरी और आपकी औकात, बुरा मत मानिएगा, आप किसी बल और बुद्धि पर भरोसा रखते हो। मैं 30 साल से कॉलेज का प्रोफेसर होने के बाद भी इस बात पर विश्वास रखता हूं कि अगर परमेश्वर का हाथ हट जाए सब जीरो हो सकता है एक मिनट में। लिखा है, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया, तुझे दासत्व के घर से छुड़ा लाया। आज परमेश्वर दिखा रहा है अपनी आपकी आशीषों को मुझे, हमें और आपको दिखा रहा है कि मैं क्या कर रहा था तेरे साथ, मैं तुझे क्या करके लाया, मिस्र से छुड़ा लाया, फिरौन के फंदे से, शैतान के फंदे से परमेश्वर मुझे और आपको निकाल ले आया। लेकिन स्थिति हमारी वही थी, फिरौन के फंदे से हम आए तो सही, लेकिन रास्ते भर मूसा को तंग करते हुए आए। परमेश्वर ने भी श्राप दिया, 40 साल चलते रहे, कनान देश में भेजना था, बहुत लंबा सफर नहीं था, लेकिन आपने कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा बुड़बुड़ा कर डिले कर दिया उसको। आपको परमेश्वर की आशीषें नहीं दिखी, इसराइलियों को भी नहीं दिखी थी। लाल समुद्र के पार जब वो गए तो वो आशीष उन्हें दिखनी चाहिए थी, इतनी बड़ी विपदा से परमेश्वर ने समुद्र को चीर कर रास्ता दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि साहब अगर हम मिस्र में होते तो वहां मीट मिलता था, हम वहां पर मिस्रियों के डेगों के सामने बैठकर सूंघते थे, हड्डियां मिल जाती थी। परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, वहां भी वो बाज नहीं आए, मन्ने को उन्होंने आवश्यकता से अधिक स्टोर कर लिया, पानी बन गया वो। उसके बाद भी परमेश्वर ने आशीष देना नहीं छोड़ा, उसके बाद भी परमेश्वर उनके सामने रात में आग का सुतून बनता था और दिन में वो छाया करके अपने लोगों पर चलता था, उसके बाद भी आशीष नहीं आई। आज मेरी और आपकी भी यही स्थिति है, आज हमारी आंखों पर पर्दा डला हुआ है शैतान का, हमारे कान बंद है, हमारे दिमाग पर प्रकाशन नहीं है, हमारा मन शैतान की तरफ है, कैसे आएगा प्रकाशन। सोचिए आएगा कैसे, कौन सा तरीका है जिससे आप और मैं शैतान के हाथ से छूटेंगे। एक ही तरीका, आशीष को लेकर आगे बढ़िए, जो परमेश्वर का पुत्र आपको दे गया है, पवित्र आत्मा का दान। मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन मैंने उसमें बाइबल की तरफ देखा भी नहीं, मेरा फोन अपडेट करना था, मैं कर रहा था, आशीष ढूंढने के लिए बैठा था मेरा बेटा, और वो ढूंढ कर लाया। उसने कहा ये है पिताजी, और उस आशीष को मैं आपके साथ बांट रहा हूं, ये है पिताजी। एंड दैट इज द थिंग, कि आपके बच्चे जब परमेश्वर का दर्शन देखने लगे, आपके बच्चे जब परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजने लगे, तो है आशीष आपके परिवार पर, तो है। अशोक भाई जानते हैं इस बात को, क्योंकि उनके घर में दूसरे और चौथे संडे में प्रचार करता हूं, आशीष उनके बच्चों की तरफ से ही आती है। मैं कभी भी लेके जाता कोई चीज, जानते हैं वो अच्छी तरह से, मैं कभी भी कोई चीज तैयार करके नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की ओर से ही तो आएगा। मैं अपनी सीमित बुद्धि से असीमित परमेश्वर को बता सकता हूं? नहीं, नहीं बता सकता। बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं।
आज अगर आपको कोशिश करनी है तो परमेश्वर की आशीषों के साथ कीजिए। आज परमेश्वर के प्रकाशन के 3 बार परमेश्वर की आशीषों को मैं बांट रहा हूं। बाइबल लिखा तुम्हारी कमरे बंदी रहे, चौकस रहकर परमेश्वर की आशीषों को बांटो, मैं बांट रहा हूं। सीधी सी बात, क्योंकि परमेश्वर की आवाज को मैंने अनदेखा किया, मेरी आशीषें चली जाएंगी, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। होना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि परमेश्वर आपको शैतान के पंजे से उठाकर लाया, परमेश्वर ने आपको भीड़ से उठाकर चौरस और ऊंचे स्थान पर खड़ा किया, आपकी और मेरी आशीषों को दिया। उसके बावजूद भी आप और मैं आज अगर भीड़ में वापस कूदने का प्रयास कर रहे हैं तो ये गलती परमेश्वर की नहीं है, यह आपकी गलती, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े हैं, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, आपकी आंखों में परमेश्वर की आशीषें नहीं चढ़ी हुई हैं। गलती आपकी है, परमेश्वर की नहीं। जब भी मेरे घर में कोई चीज नहीं मिलती थी, जो आशीषें मैं मांग रहा था नहीं मिलती थी, तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक ही बात बुलाकर कहते थे, बेटा तेरे मांगने में कमी हो सकती है, परमेश्वर के देने में कभी नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, मेरे पिता मुझे हमेशा इस बात को गाइड करते थे। ही वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन लाइफ, जीवित नहीं है लेकिन आज भी उनकी आशीषें मेरे जीवन में खड़ी हैं, बातचीत कर रही है मुझसे आज भी। 2017 में उन्होंने शरीर को छोड़ा, लेकिन अपनी बातों से आज भी मेरे साथ है मजबूती से। आज भी अगर मुझे कोई दिक्कत होती है, आई टर्न टू गॉड एंड आई आस्क गॉड कि प्रभु मेरे माता पिता अगर तेरे आसपास कहीं हो तो उनसे कह मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी आशीष मुझे दे, क्योंकि मैं कमजोर पड़ गया। थोड़े देर में सब चीजें ठीक हो जाती हैं। मैं आपको मजाक में नहीं कह रहा ये बात, या मैं आपको इफेक्टिव प्रीचिंग के सिद्धांतों के साथ नहीं कह रहा हूं। मैं यहां से प्रचार नहीं करता हूं, जान लीजिएगा, यहां से प्रचार करता हूं। मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं और वो आशीषें अधिकाई से मैं लोगों में बांट सकता हूं। सोचिए 3 से 3.5-4 घंटे प्रचार करना परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है, मनुष्य की ओर से तो नहीं हो सकता। 3 डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करना परमेश्वर की ओर से होता है। लिखा है मैं तुझे दासत्व के घर से छुड़ा लाया। माया जी जुड़ रही मेरे साथ, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है मैं तुझे दासत्व के घर से छुड़ा लाया, आज शैतान के दासत्व से छुड़ा लाया। मीका 6:3-8 तक की आशीष है, मैं तुझे दासत्व के घर से छुड़ा लाया। लेकिन आपने फिर भी परमेश्वर की वक्त नहीं जानी, आपने फिर भी परमेश्वर की आशीष को नहीं लिया, आप छूट तो गए लेकिन आपने कहा साहब मैं। परमेश्वर कहता मैं नहीं हम। बाइबल में क्रूस का मतलब है यू शुड कट योर आई। क्रूस का बड़ा साधारण सा मतलब निकलता है अपने अहम को काटकर लोगों के लिए करो, है ना। हम तो कर ही नहीं पा रहे, हमसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है भैया क्या गलती हुई थी मुझसे, क्यों उकता के भाग रहे हो, क्यों मेरे विरुद्ध साक्षी दे रहे हो, क्यों? क्योंकि मैंने तो तुझे, बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? मीका आखिरी पुस्तक है पुराने नियम, बहुत कुछ सिखाती है, 6:3-8 तक बहुत कुछ बोलेगा आपसे। आज क्या लिखा है, मैं तुझे दासत्व के घर से छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा हारून और मरियम को दिया। मैं तुझे छुड़ा लाया। आज इस चीज का अनुभव आपको होना चाहिए कि आप शैतान से छूट गए हो। बहुत से लोग तो अभी तक वहीं खड़े हैं। ऐसा होता है जब मुझे और आपको बंधवाई की आदत पड़ जाती है तो हमारी जंजीरें खुलने के बाद भी हम और आप महसूस करते हैं कि हम वहीं खड़े हैं। परमेश्वर साफ तौर पर कह रहा है मैं तुम्हें बंधवाई से, दासत्व के घर से छुड़ा लिया है। आज भी हम पुराने उसमें खुश हैं। मिस्री भी खुश थे, मिस्रियों के साथ इसराइली भी खुश थे,
उनको लगता था कि यही जीवन है, यही नियति है। ये नियति नहीं है आपकी। परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से आपको और मुझे बाइबल के थ्रू बताया है कि ये हमारा थोड़े समय का निवास स्थान है, हम यहां परदेसी हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आया, उनको उनको लगा है परदेसी, नहीं नहीं, वो यही पूरा जोर लगाने के लगाने पे तुले रहते हैं, हर गलत काम लालसा से करते हैं, सुन होकर पाप करते हैं। और उसके बाद कई लोग आपको समझा जाएंगे, अरे साहब सब चलता है, ये तो ट्रेंडिंग है, आज की हिसाब से लोग आपको ये बता जाएंगे ये ट्रेंडिंग है साहब। ट्रेंडिंग नहीं है, ये शैतान का फेंका हुआ वो फंदा है जिसमें आप और मैं फंस गए हैं, और आप और मैं निकलने की कोशिश भी करते हैं तो हम कहते हैं अगर मैं नहीं निकल रहा तो इसको भी फंसा लूं। बहुत आराम से फंसते हैं लोग, ध्यान रखिएगा। शैतान कभी भी किसी अगले चेहरे के साथ नहीं आएगा, बहुत ही मोहक चेहरे के साथ आपको और मुझे ठग लेगा। शैतान कभी भी ऐसी किसी चीज के साथ आपके और मेरे जीवन में नहीं आएगा जिससे आप और मैं डर जाए। शैतान बहुत ही सुंदर सलोने मोहक चेहरे के साथ आपके और मेरे जीवन में ठगने को आएगा, और नतीजा क्या होगा जानते क्या होगा? जब आप और मैं विनाश के गर्त में खड़े होंगे तब मुझे लगेगा यार मैं तो फंस गया, मैं अकेला क्यों फंसूं, चार लोग और लेके पलूं। और फंसते भी लोग बहुत आसानी से, जिस पर परमेश्वर का प्रकाशन नहीं होता वो बड़ी आसानी से शैतान की गोद में चले जाते, बहुत ही आसानी से। हो रहा है आज, ये मत सोचिए नहीं हो रहा, ये हो रहा है आज, लगातार चल रहा है शैतान का काम। संसार का राजकुमार कहा गया उसे, जो आपको और मुझे चलने के लिए परमेश्वर के और मेरे और आप मेरे और परमेश्वर के बीच में आता और छल भी लेता। कच्चे फल है ना यदि आप और मैं, तो बड़ी आसानी से शैतान की झोली में गिरेंगे, बहुत आसानी से। उसने कहा मैंने तुझे दासत्व के घर से छुड़ाया, तेरे अगुवाई करने को मूसा हारून और मरियम को भेजा, भेजा परमेश्वर। और मूसा जब गया तो हारून और मरियम को शैतान ने भरमा लिया, बछड़ा बनाकर उसकी उपासना करने लगे। मूसा जब 10 नियम लेने गया तो ये हुआ नीचे। सोचिए क्या कर रहे हैं आप और मैं, जहां परमेश्वर के पवित्र आत्मा का हाथ हटा शैतान ने प्रवेश किया आपके और मेरे जीवन में। आज बहुत से लोग इस बात को खुश होंगे कि आज संडे है, आज फंडे है, आज मैं और आप अपने बच्चों के साथ यहां जाएंगे वहां जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहता हूं 15 मिनट क्या आप बच्चों को देंगे कि उनको परमेश्वर का वचन सिखाएं? 3 घंटे की फिल्म आपको और मुझे बहुत अच्छी लगती है, 1500-2000 रुपए हम खर्च करके आ जाते हैं, क्या परमेश्वर के लिए परमेश्वर के नाम पर किसी को आपने 20 रुपए दिए कि वो गरीब खाना खा ले? नहीं, नहीं दिए, क्योंकि हमें अपने परिवार की खुशी अच्छी थी। बाइबल में लिखा कि तुम परिवार के हित की चिंता करते तो क्या अच्छा करते हो, अन्य जाति भी तो ऐसा ही करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर ने आपको कहां खड़ा किया हुआ है, भीड़ से निकालकर उद्धार की ऊंची चट्टान पर। आपका और मेरा स्वभाव परमेश्वर जैसा होना चाहिए, मेरे और आपके फल मैच करने चाहिए परमेश्वर के साथ, तभी तो लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के हो। क्या फर्क है आप में और मुझ में? मैं भी गाली देता हूं, लोग भी गाली देते हैं, परमेश्वर के लोग भी निंदा करते हैं, आम लोग भी निंदा करते हैं, परमेश्वर के लोग भी उंगली उठाते हैं, आम लोग भी उंगली उठाते हैं, परमेश्वर के लोगों के घरों में भी प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं, आम लोगों के भी चल रहे हैं। आज FIR हमारे खिलाफ भी हुई हुई है, शैतान के लोगों के खिलाफ भी हुई हुई है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। क्या फर्क है? कुछ नहीं। क्या फर्क है? पता नहीं। क्या इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया था? क्या इसके लिए यीशु मसीह का बलिदान हुआ था? क्या इसके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाकर आपको और मुझे धोया था? क्या इसके लिए आपके और मेरे पाप क्षमा किए गए थे? क्या इसके लिए पुनरुत्थान हुआ था? क्या इसके लिए अनंत जीवन की आशीष के लिए हमें ठहराया गया था? क्या ये था वो सब? आज परमेश्वर पूछता है आपसे, क्या ये था वो सब?
जिसके लिए आपको ठहराया गया था, जिसके लिए आशीष आपको दी गई थी? नहीं, इसके लिए नहीं दी गई थी। आज परमेश्वर अपनी आशीष को आपको और मुझे देकर अपनी आशीषों को लोगों तक पहुंचाने के लिए रखता है। तुम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो, तुम मसीह के राजदूत हो, तुम परमेश्वर की मीरास हो। लेकिन ये और आप पर मैं तो समझ ही नहीं पाए, जीवन निकल गया कहीं होगा, कितने मर गए, कितने मरने पर है, आशीष गई नहीं। मैं फादर यूज टू से बहुत अच्छी तरह से समझाते थे कि बेटा मसीहों में, बल्कि मसीह नहीं कहते थे, मसीह तो वो कहते थे जो आदमी परमेश्वर का चुना हुआ, उनका एक प्यारा वर्ड था ईसाइयों, यूज टू कॉल देम ईसाई, कि हिंदुस्तान में भी तो हम जाने जाते हैं ना इसी नाम से, ईसाई, यूज टू कॉल देम ईसाई, कहते ईसाइयों में एक बहुत अच्छी बात है कि हम लेने के लिए तो सबसे आगे खड़े होते हैं परमेश्वर के पास। अंग्रेजी का एक वर्ड यूज करते थे लेमैन, लेमैन का मतलब होता आम आदमी, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ होता है लेमैन, लेने वाला। मैं फादर यूज टू से कि ईसाई जो है ना बेटा, वो लेमैन होते हैं, लेने वाले, दे मैन नहीं होते वो, परमेश्वर की आशीष नहीं होती उन पर, सब लेना जानते वो, देना नहीं। जबकि बाइबल में लिखा है देना लेने से धन्य है। परमेश्वर मांग क्या रहा आपसे, आपका जीवन, परमेश्वर मांग क्या रहा आपसे, आपका समर्पण। आप और मैं वैसे ही भ्रमित हुए, मैं पैसा मांग रहा है भाई, चाहिए नहीं बाइबल, बाइबल में लिखा है परमेश्वर को नहीं चाहिए आपका कोई पैसा, परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है। परमेश्वर में बाइबल में लिखा है कि सोना और चांदी संसार के मेरे, मैं तुम मुझे क्या दे सकते हो, लिखा है भैया। टाइम हम दे नहीं रहे, रोहिणी जी ने सही लिखा, टाइम वो तो हम दे ही नहीं पा रहे। मेरी आशीष है ये, एक जमाने में मुझे लगता था कि मैं 24 मिनट या 25 मिनट दे रहा हूं बहुत टाइम है, आज मैं 3-3.5 घंटे भी बोल जाऊं तो मुझे लगता कम ही था, अभी तो बहुत बोल सकते थे। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है परमेश्वर की, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, वचन की कभी कमी नहीं होती आपके जीवन में। मुझे बहुत खुशी होती है, और रोज परमेश्वर एक नया वचन लाकर देता है, डेली, मैं रिपीट नहीं करता, डेली। और परमेश्वर के तरीके बड़े अद्भुत हैं। रात को मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, 4 बजे मैं उठा, मैंने कहा चलो सो लेते, परमेश्वर को लगा ये सो गया। 5:45 बजे आके मेरे कुत्ते ने मुझे चाट डाला, उसको बाहर जाना था। मैंने जब लाइट ऑन की तो अंधेरा था, लेकिन मुझे दिखा 5:45, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद तूने टाइम पे उठाया। मैं सब कुछ करने के बाद जब पहुंचा तो 6:25 हो गए थे, 6:30 से मैं परमेश्वर के साथ जुड़ गया। ये आशीष परमेश्वर जिसे चाहता उसी को देता है, ध्यान रखिए, जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर है परमेश्वर की आशीष भी उसके साथ। अपने मन परमेश्वर की ओर लगाओ, इसीलिए तो परमेश्वर ने बुलाया आप, कि आपका मन अगर परमेश्वर की ओर लगाए तो आपकी आशीष भी परमेश्वर से आ रही है। लिखा है हे मेरी प्रजा, स्मरण करके मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध युक्ति की। आज शैतान युक्तियां करता है, बड़े बड़े लोगों के थ्रू युक्तियां करता है, आपके विरुद्ध पूरा संसार हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों लिखा है बाइबल में, जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा, तेरे चित्र को मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। बाइबल में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा आपसे, पढ़िए बाइबल में लिखा है। लिखा है मेरी प्रजा स्मरण कर, याद दिला रहा है परमेश्वर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति करी। आज लोग आपके विरुद्ध सम्मति देते हैं, अरे साहब ये आदमी नहीं अच्छा, इसको तो नाश हो जाना चाहिए, इसके साथ ये कर दो वो कर दो। यीशु मसीह के साथ भी तो यही था, शास्त्री और फरीसी उसको लगातार नाश होने की घात में थे, लेकिन यीशु मसीह ने हर बार उनको अपने प्रत्युत्तर द्वारा निरुत्तर कर दिया। क्या पूछा था उन्होंने यीशु मसीह से, उन्होंने पूछा था ये जो तू करता है किस अधिकार से करता है,
यीशु मसीह ने पलट कर क्या पूछा था? क्या तुम बता सकते हो कि यन्ना भविष्यद्वक्ता जो था वो परमेश्वर की ओर से था या मनुष्य की ओर से? फंस गए, उत्तर नहीं दिया, दे ही नहीं पाते। मनुष्य की ओर से कहते तो लोग पत्थर मारते, उन्हें मालूम था परमेश्वर की ओर से। इससे परमेश्वर आपको और मुझे संभालता है। राजा, राजवंश, बड़े बड़े लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं, डरिएगा मत। बाइबल में लिखा है अगर तुझे ऐसी किसी जगह पर खड़ा होना पड़े तो डरना मत। नियत समय पर पवित्र आत्मा तेरे होठों में वो शब्द डालेगा जो तुझे बोलने चाहिए। मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से है। आज मैं और आप कई बार अपनी आशीषों को शैतान के साथ ढूंढ रहे हैं, मत ढूंढिए, समय बुरा है। लिखा है शितीम से गिलगाल तक की बातों को स्मरण कर। आप परमेश्वर के साथ अपने सफर को स्मरण कीजिए, कहां से उठाकर परमेश्वर आपको कहां लेकर आया है। इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, विश्वास के साथ देखिए आप कहां हैं आज, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए आपको। लिखा है जिससे तू यहोवा के धर्म के कामों को समझ सके। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, मैं रोज करता हूं, परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल जिससे कि मैं तेरी आशीषों को समझ सकूं। बाइबल में लिखा है तू यहोवा के धर्म के कामों को समझ सके। मेरी बुद्धि को खोल परमेश्वर, मैं समझ सकूं कि क्या है परमेश्वर तू, कैसे तूने मेरे जीवन में काम किया है। परमेश्वर का प्रकाशन एक बार आपके जीवन में आना लगेगा, आप समझ जाओगे कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। मैं इसलिए आपको यह आशीष दे रहा हूं क्योंकि यह आशीष मेरे पर ठहरी हुई है। बाइबल में लिखा है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, आशीषें उमड़ रही हैं, इसलिए वो आशीष मैं आपको देना चाहता हूं, जिसे आप भी अपने जीवन में उस आशीष को लेकर अपनी आशीषों को बढ़ते हुए देखें। सीधी सी बात, छठी आयत कहती मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने कैसे झुकूं, क्या लेकर जाऊं। बहुतों का सवाल है आज भी ये, मैं क्या लेकर जाऊं परमेश्वर के सामने। बहुत से लोग जाते भी हैं, पैसे रुपये ये वो, परमेश्वर ये कुछ नहीं मांग रहा आपसे, नहीं मांगता परमेश्वर। लोग जरूर मांगेंगे आपसे परमेश्वर के नाम से। आज कई लोग परमेश्वर को दबा के बेच रहे हैं, धंधे चल रहे हैं आज, बुरा मत मानिएगा। आज परमेश्वर के नाम से आपकी जेब खाली की जा रही है, परमेश्वर की ओर से नहीं है वो, शैतान की ओर से। आज शैतान आपको भरमा कर आपकी जेब पर डाका डाल रहा है और आप पर मैं बड़ी खुशी खुशी दे देते हैं क्योंकि आपको लगता है परमेश्वर की सेवा कर रहे, नहीं कर रहे आप ना। आप सीधे सीधे शैतान को अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अमुक व्यक्ति जिसके साथ आप जुड़े हो कि वो परमेश्वर के साथ है भी या नहीं, नहीं पता। आज ये सवाल आप और मैं भी करते हैं, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं। जवाब सीधा है, अपना समर्पित जीवन, नथिंग एल्स। क्या लेकर जाना है? समर्पित जीवन, वो तो बड़ा मुश्किल है। क्या लेकर मसीह की शिक्षा को प्रचार करना है? आपे से इनकार करके क्रूस उठाकर चलना है परमेश्वर के साथ, बड़ा मुश्किल है साहब। हमें तो सब्ज बाग दिखाए गए थे कि साहब मसीह में चलोगे तो बड़ा आनंद आएगा, घर मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बीवी मिल जाएगी। भरमा रहे लोग और लोग बड़े आराम से उन आशीषों को भरमाने के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिलती, निराश हो जाते हैं, यहां भी नहीं मिला कुछ। इसलिए मेरे पिताजी मजाक उड़ाते थे, मसीह लोग, मसीह नहीं कहते सॉरी, मसीह तो परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों कहते हैं, ईसाई लोग बेचारे ले मैन है, लेना आता है बस, दे मैन नहीं है वो। आज यही स्थिति है। मैं ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने कैसे झुकूं? कैसे झुकना है? समर्पण के साथ। ये सवाल हम करते रहते हैं अपने, अरे क्या करना है, कैसे करना है? अरे बाइबल में लिखा है, बाइबल के हिसाब से चलो ना। देखिए दशवांश के लिए बहुत बड़ी आशीष है, परमेश्वर के भवन में दीजिए, परमेश्वर की आशीषों को दीजिए,
परमेश्वर की भवन की बढ़ोतरी के लिए दीजिए। दशवांश का एक हिस्सा आपको गरीबों के लिए रखना है। ऐसे प्रचारकों को दशवांश कभी मत दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। ऐसे लोगों को कभी दशवांश मत दीजिएगा जो परमेश्वर को बेच रहे हैं, ऐसे लोगों को। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज खड़ी हैं पंजाब में, तो जाल बेचा हुआ बहुत लंबा चौड़ा। पंजाब को तो मैं जानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। परमेश्वर की चर्च में जाइए जहां आपको शांति मिले, ऐसे नहीं जहां शोर मच रहा हो, उछल कूद हो रही, वहां नहीं, शांत जगह। परमेश्वर के पास बैठिए, परमेश्वर से बात कीजिए, शांति से परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। मैं सीएनआई चर्च का मेंबर हूं, वहां कम से कम एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी बचपन से, वहां जब हम प्रार्थना करते तो शोर नहीं करते, मन से प्रार्थना कर सकते। पेंटिकॉस्टल के चर्चेज में मैं गया, वहां मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग कैसे आशीष पा जाते हैं, इतना शोर करते हैं, वो मिलता ही नहीं परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, परमेश्वर से शांति से आवाज सुनकर उससे बात कर। मुझे नहीं माना, जहां आपको शांति मिले वहां जीजिए दशवांश। इधर उधर मत देखिए, इधर उधर मत दीजिए प्लीज, गरीबों को दीजिए जो आपको सिर्फ आशीष दे सके उनको। ऐसे लोगों को बिल्कुल मत दीजिएगा जिनके बारे में आप जानते हैं कि साहब आधा समय उनका इंग्लैंड, आधा अमेरिका, आधा दुबई, ऐसे लोगों को नहीं प्लीज। आप सोचते रहेंगे कि आशीष है, लेकिन ये आशीष नहीं है, शैतान का छलावा है। लिखा है, क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष का बछड़ा उसके सम्मुख लाऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि इसी में मीका में लिखा है कि परमेश्वर के भवन में ले जाओ। कई बार मुझे लोग कहते हैं साहब अमुक पादरी बहुत बुरा, पैसे खा जाता है। मैंने एक व्यक्ति को समझाया, देख मैंने कहा भाई इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। आपने परमेश्वर के नाम पे चर्च में दिया, अगर उस व्यक्ति ने वहां से उठाकर कुछ खाया तो उसकी सजा वो उठाएगा, आप नहीं। आप अपनी आशीषों को ले चुके, इससे निंदा मत करो। कई लोगों को मैं समझाता हूं, निंदा मत करो, क्यों बढ़ाते हो अपने अपराध को? उंगली मत उठाओ, क्योंकि तीन उंगलियां तुम्हारी तरफ भी उठेंगी। बात खत्म। बहुत सी चीजों को आप और मुझे रिस्ट्रेंट करना, शैतान आपके मेरे रोष को बढ़ा देगा, अरे साहब गलत हो रहा है। परमेश्वर से कहो प्रभु गलत हो रहा है, अब आप देख लो। बात खत्म। मुझ पर ही आशीष है कि तुम में से बहुत सारे उपदेशक न बने, क्योंकि उपदेशक ज्यादा सजा पाएंगे, ये जानता हूं मैं। इसलिए मैं परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु कभी ये मौका ना आए कि मेरा प्रकाशन चला जाए, कोई ऐसी बात मेरे मुंह से कभी ना आए जिससे लोग ठोकर खाएं। आज परमेश्वर पूछता है क्या लेकर आओगे तुम मेरे पास, क्या दोगे तुम मुझे, किससे आप मेरे साथ जुड़ोगे, पूछता परमेश्वर। परमेश्वर को जज करने दीजिए, बिल्कुल सही लिखा रोहिणी जी ने, परमेश्वर को जज करने दीजिए। अगर आपको दिखता है ना कोई आदमी परमेश्वर के खजाने में से लूट रहा है, परमेश्वर जज करेगा, उपदेशक ना बने। इसीलिए मुझे जब मैं परमेश्वर ने ये रोल दिखाया मुझे, तो मैंने कहा प्रभु ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, आप मुझे गुस्सा तो रहे हो, बचाए रखना। आज तक 6 वर्ष में मैं बचा हुआ, तरह तरह की चीजें आई मेरे जीवन में, लेकिन परमेश्वर बचा ले गया साफ सीधे तरीके से। नहीं नहीं, लिखा है क्या परमेश्वर हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपराध के प्रायश्चित में अपने पलौठे या अपने पाप के बदले में जन्माए कुए किसी को दूं? परमेश्वर पूछता है, आप पूछते हो परमेश्वर क्या करूं, लेकिन यीशु मसीह के लिए यह आशीष ठहर गई। पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपना पलौठा पुत्र दिया, एक ही बेटा उसका यीशु मसीह को दिया पापों के प्रायश्चित के लिए। आप और मैं भी ऐसा पूछते हैं,
लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी और आपकी आशीष जाए, मेरा और आपके बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। परमेश्वर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, देता है। लिखा है, हे मनुष्य मैं तुझे बता चुका हूं कि अच्छा क्या है। परमेश्वर आज आपको और मुझे बता रहा है कि अच्छा क्या है, पता है हमें। और यहोवा तुझे छोड़कर इसे और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। यहोवा क्या चाहता तुझसे, ये लिखा है, तू न्याय से काम करे। न्याय का मतलब, आप कहेंगे साहब मैं तो जज नहीं हूं, लेकिन बाइबल की आशीष को लीजिए कि अगर हम न्यायी नहीं है तो हम किसी पर उंगली भी नहीं उठा सकते। अगर हम न्यायी नहीं है, उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, निंदा करने का अधिकार नहीं है, बैर भाव रखने का अधिकार नहीं है, परमेश्वर के प्रेम को दिखाने का अधिकार है हमें। आज हमारे घरों में निंदा बहुत होती है, अरे ये ऐसा वो वैसा, फलाना वैसा, ढिकाना वैसा, मत कीजिए। जानते हैं अगर आप ये कर भी रहे हैं तो न्याय के दिन इसका प्रत्युत्तर आप परमेश्वर को दोगे क्या, कि साहब दुनिया कर रही थी मैं भी कर रहा हूं। जान लीजिए आप परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए लोग हैं, आपकी और मेरी आशीषें परमेश्वर से इधर उधर से नहीं आती है। लिखा है न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे। बाइबल में लिखा कृपा करो तो तुम पर भी की जाएगी। बलविंदर भाई इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में इसका जिक्र है, कृपा का। कृपा करो तो तुम पर भी की जाएगी। परमेश्वर की कृपा अगर आपको चाहिए तो आप करो लोगों पर कृपा, दो लोगों को आशीष, जोड़ो परमेश्वर को उनके साथ। मैं और आप नहीं कर रही का, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, वो तो हो ही नहीं सकता। जॉनसन भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपकी और आपके घराने को। लिखा वो तो हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर के साथ मैं और आप नम्रता से चले। रजनी जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। नम्रता हमारे जीवन में कहां दिखती है, नम्रता, दीनता, संयम, धीरज कहां दिखता है मेरे और आपके जीवन में। कहां हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु अवश्य है कि मैं घटूं तू बढ़े, कहां कहते हैं हम परमेश्वर से, हम तो कहते ही नहीं। आपकी और मेरी प्रार्थना क्या होती है, वास्तव में मेरी और आपकी प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती। पहली चीज प्रार्थना में जो मिसिंग काम करते हैं मेजॉरिटी क्रिश्चियंस, वो क्या है, धन्यवाद देते नहीं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अरे अच्छा कोई बात, परमेश्वर के घर में पैदा हो गए, परमेश्वर के घराने में पैदा हो गए, सब कुछ जायज है। प्रतिदिन अपनी आशीषों को मांगने के लिए परमेश्वर से जुड़िए, तब जाकर आशीष आपके साथ आएगी, वैसे नहीं आ रही प्रतिदिन। क्योंकि बाइबल में हम क्या कहते हैं, हमें प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर, है ना। अगर रोटी चाहिए तो उस जीवन की रोटी को भी मांगिए, सिर्फ खाना मत मांगिए, जीवन की रोटी को मांगिए जो आपको आत्मिक रूप से तृप्ति देती है, यानी परमेश्वर का वचन। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से रोज के प्रभु आपका प्रभाव मेरे जीवन में बढ़े और मेरा प्रभाव घटता चला जाए, एक समय आए कि मैं परमेश्वर के रंग में रंग जाऊं, परमेश्वर की आत्मिक आशीषें मुझसे बातें करें, मैं अपनी आशीषें लोगों को दिखा सकूं। मांगिए परमेश्वर से, आप दिखा, आप जानते हैं आप दिखा सकते हो, है आप में ये सामर्थ्य, परमेश्वर ने दिया है आपको ये आशीष। अगर आप इस आशीष को आज नहीं ले रहे हो तो दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, नम्रता से। बाइबल में लिखा दीन होकर परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बढ़ो, नियत समय पर परमेश्वर आपको शिरोमणि कर देगा, नियत समय। बलविंदर भाई धन्यवाद आपका, क्योंकि जैसे आप और मैं एक दूसरे को आशीष देते हैं हमारी आशीषें बढ़ती हैं। पंजाब इसलिए समृद्ध है, जानते क्यों,
क्योंकि वहां के लोग एक दूसरे पर कृपा करना जानते हैं, वहां लोग भूखे को खाना खिलाना जानते हैं, वहां गुरु की नगरी में लंगर 2400 घंटे चलता है। एक बात और समझ लीजिए, यहां पर मैं तो गरीब अमीर की बात करते हैं, सिखिज्म में गरीब अमीर का कोई भेद नहीं है। जब पंक्ति में बिठाकर खाना दिया जाता है, लंगर दिया जाता है, तो कभी पड़ोसी ये नहीं देखता कि मेरे बराबर में फकीर बैठा है कि साहब मैं तो करोड़पति हूं, बराबर में फकीर बैठा, आप उठ नहीं सकते वहां से। आप पंक्ति में बैठे हैं तो आप एक ही संगत हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से आज सिखों पर आशीष है परमेश्वर की, क्योंकि वो कृपा करना जानते हैं। इस पर यह आशीष मैंने अपनी दादी से ली थी, मेरे पिता ने दिखाई थी कि तेरी दादी ने हर एक परेशानी का सामना हंस के किया। जिंदगी में उसको टीबी भी हो गई, लेकिन वो उसके बावजूद भी मुस्कुराती रही, दर्द नहीं दिखा किसी को। मजबूती होती है आत्मिक रूप से, हर एक पर नहीं है ये आशीष। पंजाब जाइए, आपको भिखारी रेयर ही मिलेगा, कोई रेयर। बाकी दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, भिखारी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पंजाब में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कृपा करना जानते हैं लोग, नम्रता करना जानते हैं लोग। बिल्कुल सही, पर लिखा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर तो हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, पर मैं तो चिंता करते हैं क्या खाएंगे क्या पियेंगे, इसके अलावा हमारे दिमाग में कुछ होता ही नहीं। इन चीजों को बाहर निकालकर परमेश्वर की आशीषों को लाइए। एक कंप्यूटर का एक कमांड होता है ना कि रिफ्रेश करो, रिफ्रेश योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। आज दिमाग से क्या करना है आपको, ट्रैश निकालना है, परमेश्वर की आशीषों को भरना है, तब आप आशीष पाओगे, वैसे नहीं। आज इस सुंदर समय में परमेश्वर आपको ये आशीष दे रहा है, इस आशीष के साथ आपको और मुझे चलना है, आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने आप को बढ़ते हुए देखना है। आपको कहना है परमेश्वर से कि प्रभु आज की रात में अपने वचन का प्रकाशन मुझे दे, मेरी आशीषों को मुझे दिखा, जिससे कि मैं अपनी आशीषों के साथ आपके साथ चलने वाला हूं, कदम से कदम आपके साथ मिला सकूं, आपके पवित्र आत्मा का प्रकाशन मेरे जीवन में लगातार बना रहे, शैतान उसे तोड़ने ना पाए। इस चीज को लेकर आज आगे बढ़िए, आपकी आशीषें परमेश्वर आपको देगा। कल सुबह यदि आपको परमेश्वर अगुवाई देता है तो सुबह ठीक 8 बजे हम जुड़ रहे हैं फिर से परमेश्वर के एक नए वचन के साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज में। परमेश्वर की आशीषें आप सबों के साथ बनी रहे, आप सबों को शुभ रात्रि। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी। विश्वास करते हैं कि आज की रात में हमारा प्रकाशन आपके साथ बना रहेगा, हमारी आशीषें आपकी ओर से ठहरेंगी प्रभु। आज की रात हम बेहतर और अच्छी नींद के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे प्रभु, और आपकी आशीषों को देख कर अपने जीवन में आपको सामने देख कर चलते रहेंगे। हमारी आशीषें हमें दें, आज की रात हमें संभालें, कल सुबह की सुंदर और मधुर रोशनी के साथ फिर हमारे साथ जुड़ जाएं, और हमारी आशीषों को हमें दिखाते हुए एक नए वचन का प्रकाशन से हमें आशीषित करें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें मिलती रहें, आप सभी परमेश्वर के वचन में यूं ही बढ़ते रहें। आप सभी को जय मसीह की, शुभ रात्रि।